तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा ट्राई के बारे में ही, और बहुत एक आवश्यक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बिकॉज आप सभी के फ़ोन पे लगातार प्रमोशनल कॉल्स, कभी लोन के नाम पे, तो कभी ब्लड डोनेशन के नाम पे, कभी चैरिटी के नाम पे, तो कभी मेडिकल इश्यूज़ के नाम पे, बहुत सारे के चीज़ों के लेकर आपके फ़ोन पे लगातार कॉल्स आते रहते हैं, प्रमोशनल कॉल्स आते रहते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर प्रमोशनल कॉल्स आते रहते हैं। उसी को लेकर ट्राई ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जिसके तहत सभी कंज्यूमर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, और जो प्रमोशनल कॉल्स करते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बेसिकली ट्राई का आदेश है कि अगले 5 दिनों के अंदर 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से अगर कोई भी आपको प्रमोशनल कॉल आते हैं, उन सभी कॉलों को बंद करना होगा। अगर ऐसा अभी भी करते हैं तो उसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नया आदेश के तहत अगले 5 दिनों के अंदर 10 डिजिट वाले प्रमोशनल नंबर को बंद करने का निर्देश दिया गया है। जैसे कि दोस्तों बता दूं कि टेली मार्केटिंग कंपनियां लगाम लगाने के लिए ट्राई की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अगले 5 दिनों में 10 डिजिट वाले अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। बता दें कि 16 फरवरी को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था, आदेश दिया गया था कि की 10 डिजिट वाले प्रमोशनल मैसेज को बंद कर दिया जाए, जिससे प्रमोशनल कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई ने यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने के खिलाफ सख्ती दिखाई है। ट्राई ने एक रिपोर्ट में बताया है कि प्रचार के लिए 10 अंक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नॉर्मल कॉलिंग के लिए ही करना है। दरअसल नॉर्मल कॉल और प्रमोशनल कॉल के लिए अलग तरह के नंबर जारी किए जाते हैं, ऐसा इसलिए जिससे नॉर्मल और प्रमोशनल कॉल को पहचाना जा सके। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ टेलीकॉम कंपनियां नियमों के खिलाफ 10 डिजिट वाले नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रमोशनल कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। ट्राई के नए आदेश के मुताबिक सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 5 दिनों में नियमों को लागू करना होगा। इसके बाद नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो 5 दिनों के अंदर प्रमोशनल कॉलिंग करने वाले 10 डिजिट नंबर को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप प्रमोशनल कॉलिंग का बिजनेस करते हैं, अगर ऐसा काम करते हैं तो 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है, जिसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों ऐसा सलाह भी दी गई है, टेली मार्केटिंग कंपनियों के काम करने वाले यूजर्स को पर्सनल मोबाइल नंबर से कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी जगह यूजर्स को कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉलिंग करना चाहिए। तो बेसिकली अभी लगातार फ़ोन पे लोन ले लो, तो कभी ये ले लो, तो कभी वो ले लो, कॉल्स आते रहते थे, इस पे लगाम लगाने के लिए यहाँ पे ट्राई ने नियम जारी कर दिया है। जो अनरजिस्टर्ड, जो प्रमोशनल कॉलिंग के लिए जो नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो नंबर बंद हो जाएंगे। ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।